हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर। आजकल की इस महंगाई के जमाने में हम सभी के लिए पैसों का सेविंग्स और मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पैसे के सही से मैनेज करके हम अपना पैसा बचा सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी एक रेडी रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फेमस बुक लेट्स टॉक मनी, जिसे लिखा एक लेडी इंडियन राइटर मोनिका हालन जी ने। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमारा पैसा आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक अपने पैसे को कैटेगराइज नहीं किया है। इसी पैसे को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मनी बॉक्स की, जिसमें आता है कैश फ्लो, इमरजेंसी और प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट। यहाँ पर मनी कैश फ्लो के लिए जरूरी है कि आप अपने पैसों को तीन पार्ट में डिवाइड कर दें और आपके पास मिनिमम तीन बैंक अकाउंट होने चाहिए, सैलरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और स्पेंडिंग अकाउंट। और आप अपने मोबाइल में इन अकाउंट्स को इन्हीं नामों से सेव करें ताकि इससे आप मनी के पैटर्न को और अच्छे से समझ पाएं। सैलरी अकाउंट, यहाँ पर आपकी मंथली सैलरी जो भी आती है वो इसी अकाउंट में आती है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस से खुद को एक सैलरी जरूर लें। हर महीने के स्टार्टिंग में सैलरी आते ही विद इन कुछ टाइम में आपको अपने सैलरी अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट शेयर कर देना चाहिए आपके सैंडिट अकाउंट में, और ये अमाउंट यूज होगा आपके महीने के खर्चे के लिए। हमारे लिए सारे खर्चे लिखने से अच्छा है कि आप उसे टोटल अमाउंट उस खर्चे के लिए सौंप दें। स्टार्टिंग में अगर आप कुछ ज़्यादा अमाउंट स्पेंडिट अकाउंट में भेजेंगे तो ये सही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मंथली एक्सपेंडिचर का एक करेक्ट आइडिया नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपने सैलरी अकाउंट में आपकी सारी इनकम, जैसे कभी बोनस आना, रेंट से इनकम आना या किसी भी प्रकार की और कोई इनकम आने को सबको इंक्लूड करना है। इसी के साथ स्पेंडिट अकाउंट में आपके ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम, कार ईएमआई जैसे सारे खर्चे आपको शामिल करने हैं। सैलरी अकाउंट से स्पेंडिट अकाउंट में पैसे भेजने के बाद आपके पास जो भी पैसे बचते हैं उसे आपको ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। याद रखें कि आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट से और स्पेंडिट अकाउंट में पैसा नहीं लेना है। इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया पैसा यूज होगा केवल इन्वेस्टमेंट में। ये सब करके आप एक क्लियर आइडिया लगा पाएंगे कि आप कितना पैसा का खर्चा कर रहे हैं और कितना पैसा आप बचा पा रहे हैं। पैसे से रिलेटेड ऑथर हमें कुछ एक थंब रूल्स बताती हैं, जैसे आपकी स्पेंडिंग आपकी टेक होम सैलरी का 40-50% तक ही होना चाहिए। आपके टोटल ईएमआई पेमेंट आपकी सैलरी का 20-30% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, और आपका सेविंग रेट कम से कम 15-20% होना चाहिए। आइए अब देखते हैं इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन फंड के बारे में। ऑथर बताती हैं कि हमें हमारे इमरजेंसी फंड के लिए लगभग 6 महीने का लिविंग कॉस्ट का पैसा अपने पास रखना चाहिए, जिसमें कि हमारे ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे सारे खर्चे शामिल होने चाहिए। अगर आप एक सिंगल अर्निंग पर्सन है जिसमें आपकी फैमिली के साथ साथ आपके और भी डिपेंडेंट हैं, तो आपको लगभग 1 साल का लिविंग कॉस्ट का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। और आप ये इमरजेंसी फंड को रख सकते हैं बैंक FD या अल्ट्रा शॉर्ट फंड या कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड के फॉर्म में। आजकल की इस भागदौड़ और महंगाई वाली ज़िंदगी में ज़रूरी है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि आजकल मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आपकी कंपनी आपको करंट में एक मेडिकल बेनिफिट देती है और ये रिटायरमेंट के बाद भी आपका कंटिन्यू रहता है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आपकी कंपनी केवल 60 की एज तक आपको मेडिकल बेनिफिट देती है, तो ज़रूरी है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि आपको मैक्सिमम बीमारियाँ होती हैं एक एज के बाद। यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग है कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक फिक्स अमाउंट पे करती है। आपको अपने टर्म इंश्योरेंस लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी किस एज तक आपके बच्चे और आपके डिपेंडेंट आप पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आपको केवल उतनी ही एज तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपको अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए। हमेशा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करके चलें। जितना जल्दी हो सके या जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपका ईएमआई उतना ही कम आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम एज में इंश्योरेंस ले लें। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट पर। हम में से बहुत लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते इस डर से कि अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई या कुछ इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये समझना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। हम बस स्टार्ट कर सकते हैं केवल कुछ अमाउंट से ही।
इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने नियर, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल बनाने चाहिए। यहाँ पर नियर का मीनिंग है वो काम जो कि आप अगले 1 से 3 साल में करने वाले हैं, जैसे शादी, बच्चे या कोई गाड़ी खरीदना आदि। इसके लिए आप अपने पैसों को लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विड फंड में जहां रिस्क मिनिमम होता है, वहीं रेट लगभग एफडी से ज़्यादा ही होता है। मीडियम वो काम जो कि आप 3 से 7 साल में करने वाले हैं, जैसे घर खरीदना। इसके लिए आपके लिए सही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आता और आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे सही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और 2 से 5 साल के लिए आप बैलेंस्ड फंड, हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका रिस्क कम रहता है। ऐसे प्लान जो कि 7 या 8 साल के बाद होंगे, जैसे फ्यूचर में फॉरेन जाना, रिटायरमेंट आदि। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है कि आप इंडेक्स फंड, मल्टी कैप फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। आपके इन्वेस्टमेंट में आपकी एज के बराबर सेफ्टी होना चाहिए। अगर आपका एज 30 है तो आपको अपना 30% पैसा डेट या सिक्योर फंड में, वहीं 70% पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में अदर फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क और रिटर्न होते हैं। रिटायरमेंट, हमारे रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के समय हमारे सालाना कितना खर्चा होगा, और ये आज से 40 से 50 साल के बाद की महंगाई की दर को ध्यान में रख कर के करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि 30 साल तक आपके रिटायरमेंट फंड के नाम पर आपके पास आपकी एनुअल सैलरी का 3 गुना पैसा होना चाहिए। सेम पैसा आपकी 40 की उम्र में आपके रिटायरमेंट फंड में लगभग 4 गुना पैसा होना चाहिए, और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उस समय आपकी एनुअल सैलरी का लगभग 8 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना शुरू नहीं किया है, तो अभी से मंथली सैलरी का लगभग 30% पैसा अपने रिटायरमेंट फंड में डालेंगे, तो कहीं जाकर के आप उस समय की महंगाई दर को बीट कर पाएंगे। दोस्तों, लेट्स टॉक मनी में बस इतना ही। पैसे के मामले में ज़रूरी है कि हम सभी सजग रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।